नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। आज की खबर के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। देश दुनिया की खबरों पर डालेंगे नजर, राज्यों की हलचल का भी होगा अपडेट, व्यापार से लेकर खेल के मैदान तक हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से होगी शुरू। साल 2022 में भर्ती की अधिकतम उम्र 21 से बढ़ाकर 23 साल। रक्षा मंत्री की युवाओं से भर्ती में शामिल होने की अपील। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, प्रबंधन के लिए बीजेपी ने बनाई 14 सदस्यीय समिति। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे संयोजक। विपक्षी दलों की 21 जून को बैठक। चालू वित्त वर्ष में 16 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 45% बढ़ा। प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 3.39 लाख करोड़ रुपए के पार। पहली तिमाही में अग्रिम कर संग्रह 1.01 लाख करोड़ रुपए रहा। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ की स्थिति गंभीर। चेरापूंजी ने बनाया एक और रिकॉर्ड, एक दिन में 972 मिलीमीटर से अधिक बारिश। और नीदरलैंड्स के खिलाफ इंग्लैंड ने रचा इतिहास, बनाया वनडे का सबसे बड़ा स्कोर। पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 498 रन। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। रसायन और पेट्रो रसायन सचिव आरती आहूजा कथित अक्षमता या भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त अधिकारियों के अभिवेदनों की जांच करने वाली समिति का हिस्सा होंगी। कार्मिक मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया है। सीबीआई ने खाद घोटाला मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर छापेमारी की। भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किए जाने के बाद यह छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली में 10 छापेमारी की। अभी सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 20 जून को एमएलसी चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगी थी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,847 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 98.64% है। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन 23 जून को बीजिंग में डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत का यूपीआई और रूपे कार्ड जल्द ही फ्रांस में स्वीकार किए जाएंगे। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने कहा है कि इसके लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल और फ्रांस के लायरा नेटवर्क ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ब्रिटेन सरकार ने जासूसी के आरोपों में विकिलीक्स के जूलियन असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि उनके पास अपील के लिए 14 दिन का समय है। अमेरिका में विमानन कंपनियों ने 1500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी। टिकटों के दाम में बढ़ोतरी की वजह से न्यूयॉर्क के लगार्डिया हवाई अड्डे पर करीब 1/3 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की है। युद्ध ग्रस्त देश की सदस्यता की दिशा में पहला कदम है। सिफारिश पर अब ब्रसेल्स में चर्चा की जाएगी। खबरों पर विस्तार से नजर। सेना सोमवार तक अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पर अधिसूचना जारी करेगी। सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। आयु में छूट केवल एक बार इस साल की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 साल में कोई भर्ती नहीं होने के कारण ये फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों में भर्ती के अधिकतम योजना का विरोध कर रहे युवाओं की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि ये नई योजना भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा करने का सुनहरा अवसर है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए।
यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 2022 में सेना की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने युवाओं से सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। अगले दो दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। वहीं सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा कि वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से संयम बरतने और रेलवे को राष्ट्र की संपत्ति बताते हुए उसकी रक्षा की अपील की है। प्रदर्शन की वजह से अब तक 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई। मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव कराए जाने की बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि परिसीमन की कवायद हाल में पूरी हुई, जिसके बाद कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 सीट के साथ सीट की कुल संख्या बढ़कर 90 हो गई है। कुल 90 सीट्स में से 43 जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। मुझे लगता है इस साल के अंत तक हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, जिसकी प्रबल संभावना है। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में बोल्डर क्लाइंबिंग वॉल और हिमालयन म्यूजियम का उद्घाटन किया। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की सभी राज्य इकाइयों और सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए 14 सदस्यीय प्रबंधन दल का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस दल का संयोजक नियुक्त किया गया है। पार्टी की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और सीटी रवि इस दल में सह संयोजक की भूमिका निभाएंगे। पार्टी के ही एक अन्य महासचिव तरुण चुग भी दल के सदस्यों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों में जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव, सर्वानंद सोनोवाल, अर्जुन मेघवाल और भारती पवार को इस दल में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी के अरुणा, राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा, पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और सांसद राजदीप रॉय भी शामिल हैं। ये दल समन्वय के साथ नेताओं को मतदान प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराएगा। इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों की बैठक 21 जून को संसद भवन में होगी। बैठक में 17 दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का रुख करेंगे। अखिलेश, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, बीजेपी ने प्रबंधन समिति बनाई है, वहीं विपक्ष की बैठक भी होनी है, किस तरह की सरगर्मियां हाल फिलहाल बढ़ी हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? देखिए प्रीति, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है काफ़ी रोचक होता है और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। पूरे देश का मुखिया चुना जाना होता है और इसलिए विपक्ष के सदस्य हों या सत्ता पक्ष के सदस्य हों,
विपक्षी पार्टियां हों या सत्ता पक्ष की पार्टियां हों, सभी बहुत पुरजोर तरीके से कोशिश करते हैं कि अधिकांश लोगों को, अधिकांश वोटों को अपनी तरफ खींचा जाए। और जैसा कि आप जानती हैं कि इसमें सांसद सदस्य, दोनों सदनों के सांसद, उसके अलावा विधानसभा के जो सदस्य हैं वो सारे भाग लेते हैं, सभी प्रदेशों के विधानसभा के सदस्य, यूनियन टेरिटरी के भी विधानसभा के सदस्य। तो इस मामले में एक बहुत ही रोचक बात यह होती है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि विपक्ष का कोई दल सत्ता पक्ष के साथ आ जाता है। तो जैसे APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति चुने गए थे, उस समय आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने पूरा, कह सकते हैं कि जो विपक्षी गठबंधन था उससे नाता तोड़कर उन्होंने NDA के उम्मीदवार APJ अब्दुल कलाम को वोट दिया था। तो उस समय APJ अब्दुल कलाम चुने गए थे। तो इसी तरह की सरगर्मियाँ अभी भी हो रही हैं, और इस तरह से जिस तरह से NDA ने अपना इतना लंबा चौड़ा एक समन्वय समिति बनाई है, इसका मतलब यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियों के साथ भी संपर्क स्थापित करें। उन्होंने संपर्क स्थापित भी किया है और विपक्ष की पार्टियों को भी अपने साथ ले, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है इसमें टक्कर अच्छी होनी है, और इसमें कई जो ऐसे विपक्षी दल हैं जिसमें कि कह सकते हैं कि नवीन पटनायक जो BJD है, या उसके अलावा जो YSRCP है, या उसके बाद TRS है, इन तीनों दलों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी है जो पूरी तरह पोस्टरिंग करती है विपक्ष में के साथ होने की, लेकिन विपक्ष ने जो पिछले दिनों जो बैठक बुलाई थी उसमें आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। उस बार 22 दलों को निमंत्रण दिया था ममता बनर्जी ने, जिसमें कि तकरीबन 17 पार्टी के लोग ही उपस्थित हो पाए थे, उसमें आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि विपक्षी दलों के अंदर भी एक उहापोह की स्थिति है कि किस तरह से आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। और इस तरह का एक यह भी समझा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव का जो समन्वय होगा विपक्ष की तरफ से, वो 2024 में आने वाले जो आम चुनाव है उसमें भी समन्वय की भूमिका हो सकता है वो, इसलिए भी कई तरह के सवाल विपक्षी गठबंधन में भी उठ रहे हैं। और सत्ता पक्ष की कोशिश है कि विपक्षी गठबंधन में के भी कुछ दलों को लाया जाए। विपक्ष में जिस तरह के नामों की चर्चा हो रही है, इसमें एक HD देवगौड़ा के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो उनके नाम की चर्चा विपक्ष के खेमे से हो रही है। इसके अलावा राजमोहन गांधी हैं, पुराने नेता रहे हैं, महात्मा गांधी के परिवार से हैं। उसके अलावा वो पश्चिम बंगाल में गवर्नर भी रहे हैं, वो उनकी भी नाम की भी चर्चा है। उसके अलावा शरद यादव जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं विपक्ष के, जनता पार्टी में रहे, JDU में रहे, अभी वो एक तरीके से कहें कि रिटायर्ड जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनके भी नाम की चर्चा है। इसके अलावा विपक्ष कई अन्य नामों पर भी चर्चा करेगा जो 21 तारीख को बैठक होगी। तो काफ़ी रोचक स्थितियाँ हैं और कह सकते हैं कि सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हो गई हैं। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2 दशक पुराने प्रस्ताव पर अमल करते हुए चुनाव आयोग ने लोगों को एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है। आयोग ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार की 2 सीट पर जीतने की स्थिति में एक को खाली करने पर उस पर उपचुनाव करवाने की मजबूरी उत्पन्न हो जाती है। विधि मंत्रालय में विधायी सचिव के साथ हालिया संवाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस चुनाव सुधार पर जोर दिया। ये प्रस्ताव सबसे पहले 2004 में सामने आया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा है कि इसमें भारत को 100% सफलता मिली है। 2 दिन तक चले गहन विचार विमर्श के बाद COVID-19 टीकों के लिए अस्थायी पेटेंट छूट पर सहमति बनी और मत्स्य पालन के लिए मिलने वाले नुकसानदायक सब्सिडी को लेकर समझौता हो गया। सम्मेलन के समापन के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के लिए भारत एक विश्वसनीय और मजबूत आवाज बनकर उभरा है। जब विश्व में कई चीजें 30 वर्षों में बदली हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए और रेलेवेंट बनाना, WTO को कंटेम्प्ररी बनाना, आज के समय के अनुसार उसको बनाना, उसके बारे में रिफॉर्म एजेंडा ड्रॉ किया गया। और मैं समझता हूँ ये WTO के लिए भी अच्छा है, विकासशील और कम विकास वाले देशों के लिए भी आगे चल के और अच्छा रहेगा। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
टैंक्स हैव नेवर बीन यूज्ड इन द कंबाइंड आर्म्स मैनर दैट दे आर मेंट टू बी यूज्ड. टैंक्स आर एन ऑफेंसिव वेपन. टैंक्स हैव अ रोल टू प्ले इन शेपिंग एंड bringing the outcome of any conflict. Whether it be Western equipment or Russian equipment, a direct hit on a tank will take a toll on the tank. Javelin is definitely a wonderful anti-tank weapon and it has proved its worth. Despite overpowering superiority in tanks and mechanized forces, the Russians have not been able to exhibit the kind of advantages that come with the use of such force. Watch our special presentation in The Defenders only on Sunset TV. 2014 से पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. ये जो कहावत थी जो इतने सालों से दशकों से चलती आ रही थी, ये कहावत बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे. ये परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों की लागत के बराबर होगी. उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल की बजाय फसल अवशेषों से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की. उन्होंने मेकेदातु परियोजना और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में परियोजना पर चर्चा करने को लेकर तमिलनाडु की आपत्ति पर विचार विमर्श किया. कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान विरोध करने वाले सांसदों के साथ दुर्व्यवहार मामले को लेकर सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा. कांग्रेस ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराई गई पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का उपचार जारी है. वो चिकित्सकों की सघन निगरानी में है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. मध्य प्रदेश में बीजेपी मेयर उम्मीदवार सुमन शर्मा ने ग्वालियर में अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सचिवालय में 40 किलोवाट के सोलर पावर रूफटॉप ग्रिड का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि गोवा में फिलहाल बिजली की किल्लत नहीं है. जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिल गई है. 2017 में बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से वो हरियाणा के रोहतक जेल में बंद है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भलसवा लैंडफिल में 26 अप्रैल को लगी आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के मामले में एमसीडी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यहां आग 10 दिन से अधिक समय तक धधकती रही थी. जम्मू कश्मीर में आज भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.2 मापी गई. भूकंप का केंद्र पूर्वी अफगानिस्तान में था. भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है. भुवनेश्वर में स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक पुरानी बस को लाइब्रेरी में बदल दिया गया है. इसमें 4,000 से अधिक पुस्तकें मौजूद हैं. इसे कला भूमि कॉफ्ट म्यूजियम का नाम दिया गया है. अग्रिम कर संग्रह अच्छा रहने से चालू वित्त वर्ष में जून के मध्य तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 45% बढ़ा है और ये 3.39 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है. आयकर विभाग ने कहा है कि इस दौरान 3.39 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कॉरपोरेट कर की हिस्सेदारी 1.70 लाख करोड़ रुपये रही. इसके अलावा प्रतिभूति लेन देन कर सहित व्यक्तिगत आयकर के रूप में 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक संग्रह हुआ.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 16 जून 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह बढ़कर 3,39,225 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,33,651 करोड़ रुपए था। आरबीआई पर बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर सही समय पर कदम नहीं उठा पाने के आरोपों को खारिज करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत कदमों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक अगर और पहले मुद्रास्फीति प्रबंधन पर ध्यान देने में लग जाता तो इसके परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हो सकते थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक आर्थिक परिवर्तनों की जरूरतों को देखते हुए कदम उठा रहा था। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के नियमों में यह स्पष्ट कहा गया है कि मुद्रास्फीति का प्रबंधन वृद्धि संबंधी हालात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। मौसम से जुड़ी खबर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों में इस क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। भारी बारिश की वजह से इन राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं भूस्खलन ने मुश्किलें काफ़ी बढ़ा दी हैं। असम के कम से कम 18 जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। इन जिलों में बाढ़ से करीब 75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति के बारे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर चर्चा की। वहीं मेघालय के चेरापुंजी में रिकॉर्ड बारिश हुई है। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान 972 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो जून में 1995 के बाद से सबसे ज्यादा है। इससे 2 दिन पहले वहां 811.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून से इन इलाकों में अगले कुछ दिन तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। श्रीलंका को भारत की ओर से नई कर्ज सुविधा की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने यह बात कही है। इससे नकदी की तंगी से जूझ रहे देश को अगले 4 महीने के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करने की अनुमति मिल जाएगी। इस बीच ईंधन के लिए भारत की तरफ से पूर्व निर्धारित $70 करोड़ की ऋण सुविधा के तहत डीजल की अंतिम खेप श्रीलंका पहुंच गई है। आर्थिक संकट से पूरे देश में भोजन, दवा, रसोई गैस और ईंधन जैसे आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई है। अमेरिकी नियामक ने 5 वर्ष तक के बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। इससे अगले सप्ताह से बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खाद्य और औषधि प्रशासन की सिफारिश के पहले इसकी सलाहकार समिति ने मॉडर्ना और फाइजर की खुराक दिए जाने की अनुमति दी थी। अमेरिका में वयस्कों के लिए कोविड के टीके उपलब्ध होने के करीब 1.5 साल बाद 5 साल तक के बच्चों के टीकाकरण की अनुमति दी गई। देश में 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के अनुमानित तौर पर करीब 2 करोड़, ये 1.8 करोड़ का आंकड़ा है, इतने बच्चे हैं। और बात करेंगे खेलों की दुनिया की। इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच चल रहे पहले वनडे में इंग्लैंड ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए वनडे इंटरनेशनल्स में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 498 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। इसके पहले 481 रन वनडे का सर्वाधिक स्कोर था। इंग्लैंड की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने इस मैच में सैकड़ा जड़ा। हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और सिर्फ 1 रन के निजी स्कोर पर ओपनर जेनिस रॉय आउट हो गए। इसके बाद फिलिप सॉल्ट और डेविड मलान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और दूसरे विकेट के लिए 222 रनों की जबरदस्त साझेदारी की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छूट जाते हैं जॉर्जिया में बने ग्लास ब्रिज की तस्वीरों के साथ। आप देखिए इसकी झलकियां और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।